तो डेडपुल एंड वुल्वरीन अभी तक एमसीयू में चाहे प्रवेश नहीं किया है, बट इनको लेके जो सवालों की मालगाड़ी है वो भाई प्रवेश कर चुकी है। बट चिंता देखो करने का इच नहीं, क्योंकि तुम्हारे सेरिब्रो में चाहे जितने भी सवाल हो मैं भाई पकड़ पकड़ के मलाई मार के क्लियर करूंगा। तो गड्डी की डिक्की खोलो, चाबी निकालो, आज स्कूटर पे चलते हैं। सो आज का पहला सवाल सीधा हमारे टाइटन के थनेंदर सिंह से आ रहा है कि वॉइड में सर जी सिर्फ म्यूटेंट्स ही क्यों दिख रहे थे। आई मीन अगर इतने सारे टाइमलाइंस प्रून हुए थे तो हमें भाई सारे कैरेक्टर्स दिखने चाहिए ना। अवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, गाड़ी घोड़ा थे, बट लिटरली एवरीथिंग। सो यहाँ मोस्टली म्यूटेंट्स ही क्यों दिख रहे थे? तो इसका जवाब और जिम्मेदार देखो खुद टीवी और कैंग ही हो सकते हैं। लाइक इट्स डेफिनेटली पॉसिबल कि अपने वेरिएंट्स के अलावा कैंग हमारे म्यूटेंट्स को भी एक बहुत ही बड़ा थ्रेट मानते थे, और इसी डर के कारण इसने कई सारे टाइमलाइन से म्यूटेंट्स को एंटायरली प्रून कर दिया होगा। हु नोज, मे बी इंक्लूडिंग हमारे घर यानी 616 से भी, और इसीलिए ही अभी तक म्यूटेंट्स का कोई थोपड़ा दिखाई नहीं है। और टीवी का देखो चाहे अभी सुधर चुके हैं, बट लेट्स बी रियल, टीवीए भाई बहुत बड़ा है, और एक ऐसा ऑर्ग जो कि इयोन से कैंग का रास्ता फॉलो करते आ रहा हो उसका ओवरनाइट चेंज होना इम्पॉसिबल है, नो वे। अभी भी कुछ डिविजन्स होंगे, उसमें लोग होंगे जो कि स्टिल भाई अंडर द रेडार प्रूनिंग दबा दबा के करते होंगे। इस पैराडॉक्स को तो सीधा समझने की गलती करना ही मत तुम। लाइक हाउ डू यू थिंक डेडपुल और वुल्वरीन वॉइड में गए? उन्हें गाड़ी से तो छोड़ के नहीं आए होंगे ये। सो समझ गए, ऐसे ही ये टीवीए और कैंग के अंधाधुन म्यूटेंट प्रूनिंग के लिए ही वॉइड में अभी पूरी गांव बस चुकी है, और ऑब्वियसली सर इसी का ही फायदा उठा के कैसेंड्रा ने भी अपनी बस्ती बसा लिया। और ऐसे तो हो नहीं सकता कि टीवीए ने सिर्फ ऐसे खच्चड़ म्यूटेंट्स को ही प्रून किया, इन्होंने डेफिनेटली 100% कुछ एक्समैन को भी किया होगा। सो इसका मतलब सर वॉइड में सिर्फ ये अकेली म्यूटेंट ग्रुप नहीं होगी, और भी होंगे जिनसे डेडपुल और वुल्वरीन दोनों ही मिलने वाले हैं। फिर अगला सवाल है कि वुल्वरीन के यूनिवर्स में आखिर हुआ क्या था कि लोग इससे इतना नफरत कर रहे हैं? लाइक ब्रेकडाउन में सर मैंने आधा ज्ञान ऐसे बांट दिया था तो आज पूरा ही लुटा दूंगा, ऐसा कुछ मतलब ईगो ईगो है नहीं, मुझे तुमने क्रिस का डॉक्टर सिद्धांत आर्य समझाया। सो इस बार भी देखो मल्टीपल थ्योरीज हैं, चाय पकौड़े के साथ सुनना मजा आएंगे। लाइक पहले तो मैं ये सोच रहा था कि वुल्वरीन एक्चुअली ओल्ड मैन लोगन के ही एक सिमिलर टाइमलाइन से हो सकता है, बट क्योंकि ये फिल्म पूरे फॉक्स वर्ल्ड को ही एक सेंड ऑफ देने के लिए बनी है, तो डेफिनेटली पॉसिबल है कि एक ऐसा यूनिवर्स हो जहां डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट ओल्ड मैन लोगन ऐसे सारे टाइमलाइंस का एक कल्मिनेशन देखने मिले। बिकॉज जहां ओल्ड मैन लोगन की तरह यहां से भी सारे एक्समैन जा चुके थे, तो वहीं पे इन ग्रेव्स का स्ट्रक्चर भी काइंड ऑफ हमारे डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के सेंटिनल शिप से भी रिसेंबल कर रहा था। इवन सर अगर वुल्वरीन ने ही मारा एक्समैन को, या एटलीस्ट उनके डेमोलिशन का किसी न किसी तरह से रीजन हो, तो स्टिल आई डोंट थिंक कि लोग सिर्फ इसके लिए ही उसे हेट कर रहे हैं। लाइक मे बी दिल को थाम लो, क्योंकि हो सकता है कि ये अपने यूनिवर्स के अवेंजर्स के डेमाइस का भी एक रीजन हो। बिकॉज अगर तुमने इस मुफट बारटेंडर पे ध्यान दिया होगा तो इसने क्लियरली बोला था कि वुल्वरीन भाई कहीं भी वेलकम्ड नहीं है, वो इससे इतना हेट करते हैं। और ये तो भाई बच्चे बच्चे जानते हैं कि इंसान म्यूटेंट से इतना भी प्यार नहीं करते कि उनके जाने पर ऐसा बिहेव करें, इनका बस चले तो ये खुद ही उनको मिटा दे। तो इसका मतलब मे बी एक्समैन के साथ साथ ये महान वुल्वरीन शायद कुछ अवेंजर्स के डेथ के लिए भी रेस्पॉन्सिबल हो, और इसीलिए ही लोग इस पे फट रहे हैं। ऑब्वियसली जब तुम्हारी दुनिया में दो सबसे बड़े मेजर वाले सुपर हीरो फैक्शन ना हो तो इमेजिन उस दुनिया की हालत क्या होगी। सो ये तो भाई अब पूरी तरह से 100% क्लियर है कि टाइमलाइन चाहे कोई भी हो म्यूटेंट्स का बजना इनेविटेबल है। लाइक कभी सेंटिनल्स आके उड़ा देते हैं, तो कभी गेनोसा में आग लग जाती है, तो कभी टकला पागल हो गया तो वही साफ कर देता है, तो कभी वुल्वरीन ने आके मिटा देता है, और अगर भगवान की दया से कभी 4-5 बच भी गए तो टीवीए प्रून कर देती है, करे क्या बंदा। फिर अगला सवाल है ब्राजील के बलजीत बैनर्जी से कि डेडपुल वुल्वरीन की हेल्प क्यों मांग रहा था और किस में? सो भाई अच्छे क्वेश्चन भेजते हो, थैंक यू। सो ये तो देखो हमने पिछले वीडियो में वेड की बातों से जान ही लिया था कि डेडपुल का यूनिवर्स प्रोबेबली खत्म होने जा रहा है, और सीधी बात है टीवी में आने के बाद ही उसको ये पता चला होगा। सो इतने से ही पता चल जाता है कि वो अपने यूनिवर्स में वापस जाके सबको बचाना चाहता है, तो इसमें भाई दिक्कत क्या है और वुल्वरीन यहां क्या कर सकता है? तो दिक्कत सर बहुत बड़ी दिक्कत आई थिंक टीवी ही है, और इसमें वुल्वरीन का रुको आगे बताऊंगा। सो अगर तुम बादाम खाते हो तो तुम्हें याद ही होगा कि मैंने वॉचर रिपोर्ट्स के एक प्रीवियस पैनल में ये बोल दिया था कि मल्टीवर्स में एक ऐसा नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होने वाला है जिसमें सारे यूनिवर्स के एक एक स्पेसिफिक एंकर कैरेक्टर्स होंगे, जिन्हें अगर भाई कुछ हो गया या वो अपने यूनिवर्स से बाहर छोड़ के चले गए तो उनका यूनिवर्स धीरे धीरे करके डिके होना चालू हो जाएगा और इवेंचुअली खत्म। लाइक जैसे कि जो सुनने मिला था कि 616 का शायद हमारा स्पाइडरमैन होगा, वुल्वरीन शायद अपने यूनिवर्स का हो सकता है, एंड मे बी वैसे ही हु नोज
डेडपूल भी अपने यूनिवर्स का होगा। तो यहाँ पे आई थिंक अगेन पूरा टीवीए नहीं बट टीवीए में कुछ बजर बट्टे स्टिल कैंग के लिए काम कर रहे होंगे जो कि म्यूटेंट्स को तो प्रून कर ही रहे हैं जैसे मैंने बताया, बट ऑल्सो शायद ये अलग अलग यूनिवर्स के एंकर्स लोगों को भी प्रून कर रहे हैं। और डेडपूल और वुल्वरीन अपने अपने यूनिवर्सेस के थे तो शायद इसीलिए ही उन्हें वॉइड में फेंक दिया। और जैसे मैंने कहा कि यूनिवर्स का एंकर ना हो तो इवेंचुअली पूरी दुनिया ही डिके हो जाती है, तो इसे ही रोकने के लिए डेडपूल वॉइड से बाहर निकल के अपने यूनिवर्स में वापस जाना चाहता है। और ये बात तो भाई वॉइड को लेकर सब जान ही चुके हैं कि टेम्पैड के बिना वॉइड से निकलना इम्पॉसिबल है, तो डेडपूल एक्चुअली शायद वुल्वरीन की इसी में ही हेल्प चाहता है वॉइड से कुछ भी करके निकलने के लिए। और वुल्वरीन हमारे क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी खो चुके हैं तो उन्हें किसी में भी इंटरेस्ट है ही नहीं। फिर अगला सवाल जो कि पूरा ब्रह्मांड चढ़ चढ़ के पूछ रहा है कि आखिर ये पोर्टल खोला किसने था, डोंट वरी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि उसका जवाब तो तुम पा ही चुके हो। लाइक हमने जान ही लिया था कि पोर्टल शायद पीछे खड़ी कैसेंड्रा ने ही खोला था, तो अब जब फाइनली किसने खोला का जवाब हम जान चुके हैं तो कैसे खोला और कहां के लिए खोला इसका भी जान लेते हैं। तो ये तो देखो बचपन से ही पता है कैसे चमचमाती चक्री पोर्टल से सिर्फ स्लिंग रिंग से ही खुलते हैं कमरताज लिमिटेड, तो इसका मतलब इसके पास भी एक स्लिंग रिंग होगा बट मिला कहां से। तो भैया जी अगर इसके पास टोनी की गड्डी, एक पूरा एंटमैन, प्रोफेसर एक्स की कुर्सी, इतना कुछ हो सकता है तो स्लिंग रिंग नहीं हो सकता। लाइक ऑब्वियसली किसी स्ट्रेंज या वॉन्ग के वेरिएंट को उड़ा के ही मिल गया होगा, दिखती टकली है बट ओमेगा लेवल म्यूटेंट है। और अब बात करें कि कहां के लिए खोला तो नेपाल, तो कई लोग बात करें कि पोर्टल एक्चुअली एंड गेम के फाइनल बैटल का हो सकता है बट आई डोंट थिंक सो। लाइक डोंट गेट मी रॉन्ग, ये एंड गेम के पोर्टल से निकल के थानोस को उड़ा के टोनी को बचाएंगे ये तो भाई जस्ट वाव हो जाएगा, बट ये पॉसिबल है नहीं बिकॉज सबसे बड़ा रीजन कि ये स्लिंग रिंग्स भाई आउटर डिमेंशनल पोर्टल से नहीं खोल सकते, एटलीस्ट एमसीयू में तो भाई अभी तक हुआ नहीं है। लाइक ये स्लिंग रिंग्स देखो जिस यूनिवर्स में होते हैं ना उस पर्टिकुलर यूनिवर्स के कहीं भी खोल सकते हैं, बट मल्टीवर्सल पोर्टल्स देखो नहीं, बिकॉज अगर ये खोल पाते तो भाई वांडा एक स्लिंग रिंग उधार लेके अपने बच्चों को देखने नहीं चली जाती, ये चैवेज के पीछे हाथ धो के पड़ गई क्योंकि टिल नाउ सिर्फ चैवेज ही है जो कि दूसरे यूनिवर्स को पोर्टल से खोल सकती है। सो कोई डिफरेंट यूनिवर्स का ऑप्शन तो भाई डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाता है अनलेस मार्वल वाले खुद के रूल्स को भूल जाए और कुछ कर दे, तो मुझे मेरी गलती है नहीं। और एंड गेम की बात करें तो ये भाई ये भी पॉसिबल है नहीं बिकॉज जूते मत मारना, जूते ये लोग अभी वॉइड के अंदर ही है जो कि मल्टीवर्स के बाहर एग्जिस्ट करता है, सो ये पोर्टल मोस्ट प्रोबेबली वॉइड में ही किसी जगह जाता होगा, एटलीस्ट मुझे तो भैया यही लगता है। बट डोंट वरी वो लोकेशन भी मस्त होगी क्योंकि मार्वल ने स्टिल एडिट करके पूरे पोर्टल को ब्लैंक आउट कर दिया है, कोई खतरनाक जगह तो है डेफिनेटली होगी। तो हाँ गाइस आज के लिए यही सब था, और तुम्हारे सेरिब्रो में अगर स्टिल कुछ सवाल बच गए हैं तो पूछ डालो, वेट किसका कर रहे हो। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक बटन को प्रून मत करना, वो वॉइड में चले जाओ, लाइक कर दो, सिंपल से लाइक कर। और रापचिकदार मल्टीवर्सल कंटेंट का होल स्टॉक लगातार ऑल द टाइम पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं तुमसे मिलूंगा एक और टाइमलाइन में, सो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।